हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अंडा कढ़ी बताने जा रही हूँ कि अंडा कढ़ी कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने देखिए क्या किया है, अंडे को उबालने चढ़ा दिया है। तो अंडे को उबालने का एक तरीका होता है, तो अंडा जो कि है, अंडा जैसे मैंने डाला है तो अंडे के नीचे ही पानी रहना चाहिए, अंडे के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे अंडे के ऊपर पानी नहीं है, तो मैंने इसी तरह डाला। इसी तरह आप भी उबालने डालें। तो मैंने अंडे को उबालने के लिए और फ्लेम एकदम गैस का कम रहना चाहिए, देख रहे हैं मेरा मीडियम है, मीडियम फ्लेम में ही इस अंडे को बॉइल करना है। इसके लिए और किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, और इसे बॉइल सिर्फ 5 मिनट करना है और इसे बॉयल सिर्फ 10 मिनट करना है। 10 मिनट के बाद इसे उतार देना है। उसके आगे क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी, और इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी अंडे कढ़ी में, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अंडा कढ़ी में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्याज लिया हुआ है, मैंने एक बड़ा प्याज काट लिया है, और ये मैंने 2 मिर्च ले ली है, और ये मैंने गरम मसाला ले लिया है, ये मैंने जीरा मरीच का पाउडर, ये हल्दी पाउडर, और ये मैंने अदरक और लहसुन को चूर लिया है, मीन्स कूट लिया है, क्योंकि मैं कूट के ही डालती हूँ, कूटने के बाद स्वाद अच्छा आता है। और मैंने एक तेजपात ले लिया हुआ है, और नमक ले लिया हुआ है, और ये टमाटर मैंने काट लिए हैं। तो एक बड़ा टमाटर काट लें या मीडियम साइज का 2 टमाटर काट लें। ये सब चीजें घर में आसानी से ही उपलब्ध होती हैं, और इसी में हमें टेस्टी अंडा कढ़ी कैसे बनाते हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। तो आइए अंडा कढ़ी सीखते हैं। मैंने ये अंडा बॉइल करके इसे छील लिया है, इस तरीके से मैंने छील लिया है। तो और मैं तेल भी गर्म हो चुका है, तो हम इसे तेल में दे देंगे, तो ये अंडा देखिए फ्रेंड, जब तक अंडा हो रहा है फ्राई तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मैंने जो कि गरम मसाला का पाउडर लिया था वो डाल देते हैं, और ये मैंने जो जीरा मिर्च का पाउडर लिया था वो भी डाल देते हैं। और ये हल्दी पाउडर डालेंगे, और इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और इसमें अभी कुछ नहीं डालना है, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बस ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डाल देना है। उसके बाद अभी अंडा फ्राई हो रहा है, उसके बाद कैसे डालते हैं वो आगे देखते हैं। देखिए, मैंने अंडा फ्राई करके निकाल लिया हुआ है, अंडा फ्राई अच्छे से लाल हो चुका है। तो हम तेल में अब मसाला प्याज डालेंगे, हम प्याज डालने के बाद इसे फ्राई करेंगे। फ्राई होने देते हैं 2-3 मिनट तक। फ्राई हल्का होने लगा है, तो अब हम इसमें ये जो कि मैंने अदरक और लहसुन का कूट के रखा था वो डाल देंगे हम प्याज में। अब इसको भी लगभग 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे। देखिए, ये प्याज अब फ्राई हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गया है, अब लाल दिखने लगा है ये। तो हमने ये जो कि मसाला तैयार करके रखा था, ये मसाला हम इसमें डाल देंगे और इसे भी फ्राई करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर इसे फ्राई भी होने देंगे। मेरा फ्राई हो चुका है, अच्छे से फ्राई हो गया है, तेल भी छोड़ दिया है और लाल भी दिख रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा फ्राई हुआ है मसाला। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे, इसमें पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर हमने ये जो कि अंडा का फ्राई किया था वो डाल देंगे हम इसमें। और इसे अच्छे से ढक देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा अंडा कढ़ी हो चुका है। अगर आपको इसमें ग्रेवी ज्यादा रखनी हो या कम रखनी हो तो आप अपने अनुसार रख सकते हैं। मैंने इतना रखा है, लेकिन मेरा हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।